ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेम्स गन वार्नर ब्रोस के कर्ता धर्ता बन चुके हैं, और जब से जेम्स गन वार्नर ब्रोस के सीईओ बने हैं तभी से हमें सुनने को मिल रहा है कि हमें सुपरमैन की एक न्यू मूवी देखने को मिलेगी जिसमें हमें हेनरी कैविल नहीं देखने को मिलेंगे। हेनरी कैविल को डेविड कॉन्सवेट रिप्लेस कर चुके हैं इस मूवी में। लुइस लेन का रोल रेचल ब्रोनसान करने वाली है। फैंस को लगा था कि डेविड कॉन्सवेट सुपरमैन के रोल को पुल ऑफ नहीं कर सके, बट जब हमें उनकी बल्कअप बॉडी की इमेज देखने को मिली तो एग्जैक्ट वो हेनरी कैविल के सुपरमैन के जैसे लुक में हमें देखने को मिले। जहाँ तक बात है डेविड कॉन्सवेट की एक्टिंग की तो वो काफी कमाल के एक्टर है। हमने उन्हें काफी वैरायटी के रोल्स करते हुए देखा है। दो दिन पहले सुपरमैन की बर्थडे थी और फैंस की मैसेज के कारण जेम्स गन ने सुपरमैन की फर्स्ट फोटो रिलीज की जिसमें हमें सुपरमैन का लोगो देखने को मिला। यह लोगो हमें स्नो के साथ दिखाया गया। यह लोगो किंगडम कम के सुपरमैन की लोगो जैसा मिलता जुलता है, बस डिफरेंस यही है कि वो वाली लोगो में ब्लैक एक्सेंट थी और इसमें हमें पुरानी सुपरमैन वाली गोल्ड एक्सेंट देखने को मिलती। और जब आप कैप्शन पढ़ेंगे जेम्स गन की उस पोस्ट की तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नाम सुपरमैन होगा, ना कि सुपरमैन लेगेसी। ये काफी कमाल की बात है क्योंकि 1983 में हमने लास्ट देखा था कि कोई मूवी सुपरमैन के नाम से आई। उसके बाद तो जितनी भी मूवीज आई है उसमें सुपरमैन एंड समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ ऐड किया गया था। 1983 वाली सुपरमैन मूवी सोलो ऐसी मूवी थी जिसमें हमने सुपरमैन का ओनली नाम सुना था। सो लेट्स सी क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो सुपरमैन नाम था वो हमारे उस एक्टर के लिए अच्छा नहीं था, पर लेट्स सी इस बार जेम्स गन ने क्या दाव खेला है। सो ये सुपरमैन मूवी 2025 में आएगी और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। क्या आप सब एक्साइटेड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डेविड कॉन्सवेट काफी कमाल के एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और रेचल ब्रोनसान भी काफी कमाल की एक्ट्रेस है। और जहाँ तक जेम्स गन की बात है तो जेम्स गन के जैसा डायरेक्टर मिलना काफी बड़ी बात है। वो काफी कमाल के डायरेक्टर भी है और वो इस मूवी के राइटर है, साथ में डायरेक्टर भी शायद होने वाले। जेम्स गन इसके पहले मार्वल में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी बना चुके हैं। उन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2 एंड गैलेक्सी 3 बनाई। जेम्स गन जब मार्वल से निकले तो वो वार्नर ब्रदर्स में आए और उन्होंने सुसाइड स्क्वाड मूवी बनाई जो कि काफी कमाल की थी, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड का जो फर्स्ट मूवी आया था वो काफी बेकार था, लेकिन जेम्स गन वाली सुसाइड स्क्वाड काफी वाइब्रेंट थी, काफी कमाल की। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुपरमैन लेगेसी डेफिनेटली काफी कमाल के होने वाले। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो ये मेरी पहली वीडियो होगी विदाउट फेस कैम, तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।